हरियाणा की छोरी किसी भी फील्ड में कम नहीं है, ये एक बार फिर साबित करके दिखाया है करनाल के गांव उमरपुर की रहने वाली मुस्कान संधु ने, जिसने प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचकर जिले का नाम रोशन किया है। हरियाणा की ये छोरी न केवल हॉट सीट तक पहुंची, बल्कि सवालों का सटीक जवाब देते हुए 12,50,000 रुपए भी जीतकर घर लौटी। मुस्कान की इस उपलब्धि के बाद घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुस्कान ने बताया कि इन पैसों से वो अपने पिता को तिरुपति की यात्रा कराने और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में इस्तेमाल करेगी। मुस्कान बेसहारा पशुओं के लिए भी काम करना चाहती हैं। इसके लिए वो एनिमल एनजीओ को भी अपनी राशि का कुछ हिस्सा दान करेंगी। धनराशि मैं पहले तो सोच के गई थी कि सिर्फ हॉट सीट पे पहुंच जाऊं, और जब मैं 3-20 क्लियर हो गया तो फिर यह था कि चलो ठीक है, इतना तो मैं कम से कम घर लेके जाऊंगी। तो जब 12,50 में जीत गई, जब 25 लाख का गलत मैंने क्विट करा, उस पर मुझे कोई निराशा नहीं थी कि मैं खेल लेती तो जीत जाती, 50 लाख का जाता। जितने जीतते मैं उतने में खुश थी, क्योंकि वहाँ तक जाना भी बहुत बड़ी बात थी। और धनराशि का प्रयोग करने की बात है तो मैं पहले तो पापा को और पूरी फैमिली को तिरुपति घुमा के लेके आऊँगी, और बच्ची को जो धनराशि बच जाएगी उसका कुछ हिस्सा मैं एनिमल वेलफेयर जो एनजीओज होते हैं उनको डोनेट करूंगी, और फिर भी कुछ धनराशि बच गई तो मम्मी को दूंगी। वही मुस्कान के पिता वेदपाल संधू ने बताया कि पिछले 20 साल से वो कौन बनेगा करोड़पति के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए खुद प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन उनकी बेटी ने प्रयास किया और उनके सपने को पूरा कर करनाल और प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा, धनराशि कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनकी बेटी ने उनके सपने को पूरा कर दिया, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। के बेटियों को बोझ न समझे बिल्कुल भी, और जैसे प्रेरणा मेरी बेटी ने मुझसे ली है और अपना मुकाम हासिल किया है, तो ऐसे ही दूसरी बेटियां जो हैं वो भी अपना मुकाम हासिल कर सकती हैं। और मुझे अपनी बेटी पर नाज है, और 12 लाख रुपए क्या मेरे लिए तो ये करोड़ रुपए जीत कर लाई है, जो मेरा सपना पूरा हो गया, जो लाखों करोड़ों लोग इस सपने को पूरा करने के लिए तरस रहे हैं और इस लाइन में लगे हुए हैं। सर, कितने सालों से आप ट्राई कर रहे थे लेकिन आप नहीं? मैं 20 साल से कोशिश कर रहा था इसमें, 20 साल से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं इसमें, ऑडिशन तक पहुँचता था और फिर कहीं ना कहीं बीच में सफ़र में फिर रह जाता था, तो इस बार गुड़िया ने मंजिल पर पहुँचाया हमें। तो नवरात्रों का पूरा मतलब आशीर्वाद, हाँ, शुभ आशीर्वाद रहा माता का। हाँ जी, क्या कुछ और संदेश देना चाहेंगे बाकी परिवार? बाकी समाज को मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि कहावत है, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर इंसान के अंदर चाहत है तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं और मंजिल भी मिलती है उसको। बस भविष्य में क्या आगे की तैयारी, बेटी के लिए आगे का क्या सोचा है? भविष्य में बेटी के लिए मैं पूरा सपोर्ट करूँगा अपनी बेटी को, कि वो सिविल सर्विस की तरफ जाए, सर्वेंट बने, और जितनी भी मेरे से जरूरत पड़ेगी मैं अपनी बेटी के लिए पूरा सपोर्ट करूँगा, कंधे से कंधा मिलाकर उनको सपोर्ट करूँगा कि वो IAS बने मेरी बेटी। मुस्कान ने स्कूली शिक्षा गांव के शहीद उधम सिंह स्कूल से प्राप्त की, जबकि BSc KV DV महिला कॉलेज से की है। मुस्कान ने कहा कि सपने पूरा करने के लिए उन्होंने हमेशा मोबाइल फोन का सदुपयोग ही किया, अब उनका सपना है कि वो IPS ऑफिसर बने। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।